करेंगे, उसके पहले हम कीर्तन करेंगे और फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो पहले कीर्तन करेंगे हम 5 मिनट। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ श्रीवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंद ब्रज जन रंजन, यशोदानंद ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद, जय श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। मंगलाचरण बोली सभी लोग। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदांतकम्। वंदेहम श्री गुरु श्वेतपद कमलम श्री गुरुन् वैश्वानश श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथ अन्वितम तम संजीवनम सावधेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वान सुते देवी प्रणमाम हरिप्रिये, वांछाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनी नामिने, नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। ये जो 3 डे का सेमिनार है, आज उसका ये फर्स्ट डे है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नो गॉड नो पीस एंड नो गॉड नो पीस। थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है। KNOW तो हो गया नो, दैट मीन्स हम भगवान को जानते हैं, और NO हो गया नो, दैट मीन्स कि हम नहीं जानते हैं। तो दोनों को ही आज समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, क्या मतलब है इसका। तो ये जो वर्ड पीस है, ये बहुत ही कैची वर्ड है, ये बहुत अट्रैक्टिव वर्ड है ना, क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं पीस होना चाहिए, चाहे फैमिली के लेवल पर होना चाहिए, सोसाइटी के लेवल पर होना चाहिए, कंट्री के लेवल पर होना चाहिए, इनफैक्ट एवरीवेयर वी वांट पीस। सो दिस पर्टिकुलर वर्ड जो पीस है बहुत ही अट्रैक्टिव वर्ड है ये। हरे कृष्णा। कृपया सभी से प्रार्थना है, जो लोग अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं तो रखेंगे तो अच्छा होगा,
उससे एक हमारा क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है आमने सामने का, वो थोड़ा अच्छा बनेगा। थैंक यू। तो आज हम जैसा देख पा रहे हैं कि सोसाइटी में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एवरीवेयर हम हर जगह देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इस सेंस में कंफर्ट एंड लग्जरी, पहले कंफर्ट एंड लग्जरी बहुत रॉयल लोगों के लिए संभव होता था, लेकिन आज की डेट में क्या है, सामान्यतः लग्जरी की अगर हम बात करें, कंफर्ट की बात करें, तो प्रायः बहुत ही कॉमन हो गया है। एयर कंडीशन, एयरप्लेन, मोबाइल, इंटरनेट, गैजेट, ऑल ओवर। तो एक्सटर्नल अगर हम लोग देखें तो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बहुत सारे चेंजेस हमको दिखाई दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो इंटरनल है उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है। इसका क्या रीजन है ये, इसको भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे हमारे इंडिया का जो सबसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है वो है IIT, और हम देखते हैं कि हर साल IITs में बहुत सारा जो है सुसाइड केसेस आते हैं। एक्सटर्नल तो हम देख रहे हैं बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत सारा चेंजेस है, बट इंटरनल लेवल पर देख रहे हैं कोई चेंज नहीं होने से, डिस्टर्बेंस होने की वजह से इंडिया के जो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट हैं IITs, उसमें बहुत सारा सुसाइड का केसेस हम देखते हैं। तो कुछ दो एक दो साल पहले मुंबई में, मुंबई का जो IIT है, IIT मुंबई, वहां पे एक ही महीने में सीरीज ऑफ सुसाइड्स हुए, और सभी एक ही पैटर्न पे हुए, ऑलमोस्ट हैंगिंग फ्रॉम फैन। तो वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने तुरंत एक मीटिंग बुलाया और उन्होंने पता करने का प्रयास किया कि क्या रीजन क्या है। उन्होंने बोला कि दुनिया सबसे इंडिया का जो टॉप ब्रेन होता है हमारे यहाँ आता है, और आने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उसको सुसाइड करना पड़ता है। तो उन्होंने आपस में कुछ बात किया, कुछ फाइंड आउट करने के प्रयास किया, लेकिन फाइनली उन्होंने क्या किया, बोला कि जितने भी फैन हैं उनको निकाल दीजिए और उसकी जगह AC लगा दीजिए। तो दिस इज नॉट एक्चुअली सोल्यूशन, नहीं, फैन निकाल करके AC लगा देना, वो दैट इज नॉट द सोल्यूशन एट इंटरनल लेवल। उसके बाद भी बहुत सारे केसेस होते रहे, बहुत सारे कोशिश होते रहे। तो हम लोग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, बट एक्सटर्नल रादर देन इंटरनल, और इसीलिए बहुत सारा चेंजेस नहीं आ पाता। तो जैसे मार्टिन लूथर किंग एक बहुत बड़े जो है सोशलिस्ट हुए अमेरिका के, वो बोलते थे गाइडेड मिसाइल एंड मिसगाइडेड मैन। आज की दुनिया में ही हो रहा है, मिसाइल्स दे आर गाइडेड बट मैन आर मिसगाइडेड। तो आज हम बेसिकली तीन बातों पर चर्चा करेंगे, आप लोग अगर कॉपी पेन रखे हैं तो उसको नोट भी कर सकते हैं। पहला है डिस्कशन है व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशंस, हमारी आशाएं क्या क्या होती हैं, कब हमारी जो आशाएं होती एक्सपेक्टेशंस बिकम्स फ्रस्ट्रेशन, ऐसा क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन बिकम्स फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, एंड हाउ कैन वी हैव बेटर अप्रोच, हमारा बेटर अप्रोच क्या होना चाहिए। तो अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो हमारा हर जगह एक्सपेक्टेशंस होता है, फैमिली में होता है, नहीं, जॉब में होता है, सोसाइटी में होता है, एवरीवेयर। सपोज करिए अगर मैं किसी फ्रेंड के पास अपने जाता हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, तो मुझे अच्छे से बात करे, मेरी हॉस्पिटलिटी, नहीं, मुझे अच्छे से हॉस्पिटलिटी दे। या अगर मैं कॉलेज की बात करूँ जहाँ हम लोग जॉब करते हैं, तो मुझे अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, मेरी सैलरी इंक्रीज, हमारी सैलरी इंक्रीज करनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन हर जगह होती है। मान लीजिए मैं किसी होटल में जाता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वहाँ का एकोमोडेशन अच्छा होना चाहिए, वहाँ का फूड अच्छा होना चाहिए। इन हाउ, इन केस अगर हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती है तो क्या हो जाता है, दैट बिकम्स फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन में चेंज हो जाता है। तो बेसिकली फ्रस्ट्रेशन इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन, और जितना अधिक हमारी एक्सपेक्टेशन होती है फ्रस्ट्रेशन उतना ज्यादा होता है। तो आज हम देख रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर रहा है, और साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस करके हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं, हम लोग हर चीज पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इवन क्या हम अपने लाइफ को भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, पब्लिक को, नहीं, पीपल, पब्लिक को हम लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं। एवरीवेयर वी वॉन्ट टू कंट्रोल थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट ये मैटर है, इस पर हम लोग को सोचना चाहिए
ये जो कंट्रोलिंग का हमारा जो नेचर क्रिएट हो रहा है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो उससे क्या होता है, हम कंट्रोल करना चाहते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी से, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती हैं। और जब वही मैं बात कर रहा, जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, अगर वो पूरी नहीं होती हैं, तो दैट बिकम्स फ्रस्ट्रेशन। तो फिर हम लोग क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो आज की डेट में हम लोग देखते हैं ना, ज्यादातर हमारा जो लाइफ क्या है, दैट इज बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गैजेट, मोबाइल, वीडियो गेम। हम लोग रियलिस्टिक वर्ल्ड में है ही नहीं है, पूरी तरह हमारा जो लाइफ है वो रियल रियल हो गया है। जैसे एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बोलते थे, टेक्नोलॉजी इज द आर्ट ऑफ लिविंग वेयर वी डू नॉट वॉन्ट टू फील रियलिटी। आजकल क्या है, ज्यादातर हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो रिलेशंस हैं, दे आर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, नहीं, इसी सब पे सारा हमारे जो है रिलेशन और इमोशंस बेस्ड हो गया है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से जितना ज्यादा हम लोग कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, उतना हमारे एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। और एक्सपेक्टेशंस जब बढ़ रही हैं, अगर वो पूरा नहीं होती है, तो क्या हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। और वही फ्रस्ट्रेशन जब आउटबर्स्ट होता है, जब बाहर निकलता है, तो लोग क्या हो जाते हैं, वॉयलेंट हो जाते हैं, किलर हो जाते हैं। और वही फ्रस्ट्रेशन जब इनवर्ड होता है, इनसाइड होता है, तो दैट बिकम्स एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड एटसेट्रा। तो आज की डेट में सबसे बड़ा ये क्या कहते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है सोसाइटी के सामने। हम लोग एडवांस तो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हम लोग एडवांस तो कर रहे हैं, बट इंटरनली वी हैव बिकम मोर एंड मोर वी, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों हम लोग देखते हैं ना, हम लोग कभी रोड पे जाते हैं, देखते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा अगर हमारे कार में अगर डेंट आ गया, तो लोग एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। और वहां रोड रेजिंग नहीं, यहाँ तक गोली भी चल जाती है। तो पीपल आर मोर फ्रस्ट, नहीं, इनर, चूंकि इनर पीस नहीं है, इनसाइड जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से क्या है, वो आउटबर्स्ट हो जाते हैं वो लोग। तो जैसे मैंने बताया कि जब वही हमारा जो फ्रस्ट्रेशन आउटबर्स्ट होता है, तो पीपल बिकम वॉयलेंट। और जब वो इनसाइड होता है, तो पीपल बिकम्स इन डिप्रेशन, एंजाइटी एक्सेट्रा। तो हमें क्या करना है, वी नीड मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। हमें अपने लाइफ को अच्छे ढंग से देखने का प्रयास करना चाहिए, क्या क्या फैक्टर है जो हमारे लाइफ में अफेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को दो केस स्टडी दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से प्लीज नोट करिएगा। एक व्यक्ति एक कार से जा रहा था, ध्यान से नोट करिए, कार से जा रहा था, जाते जाते क्या हुआ, वो ड्राइव भी कर रहा था, कार से जा रहा था, उसको सामने एक इंटरसेक्शन मिला, या वहां से उसको लेफ्ट जाना था, वहां से या तो राइट जाना था। उसने गाड़ी को वहां स्टॉप कर दिया और कुछ सोचने लगा हुआ। एक दूसरा मैं आपको केस दे रहा हूं, जिसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति एरोप्लेन से जा रहा है, और एरोप्लेन से उसको जो है दिल्ली से चेन्नई जाना था। सडनली वो देखता है कि एरोप्लेन जो है श्रीनगर की तरफ जाने लगा, रादर देन गोइंग टू ना साउथ, वो एरोप्लेन जो है नॉर्थ जाने लगा। क्या कर सकता वो व्यक्ति, उसके पास ऑप्शन है, या तो वो बैठ के वेट कर सकता है, अनाउंसमेंट का वेट करे, हो सकता है कुछ वेदर खराब हो, कोई रीजन हो सकता है। दूसरा क्या है, उसने बहुत तेज से डिस्टरबेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, व्हाट हैपनिंग हियर, व्हाट हैपनिंग हियर, मुझे तो जो है चेन्नई जाना था, लेकिन ये जो प्लेन तो आपको उल्टा ले जा रहे हैं, मुझे आप ले जा रहे। तो देयर आर टू सिचुएशन, एक में एक व्यक्ति कार को खुद ड्राइव कर रहा है, उसके पास ऑप्शन है लेफ्ट जाए राइट जाए, और दूसरा एक व्यक्ति जो है एरोप्लेन से जा रहा है एज ए पैसेंजर। उसकी लिमिटेशन है, उसकी एक लिमिटेशन है, वो एज ए पैसेंजर है। अब एज ए पैसेंजर उसके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, तो आपको बताइए क्या करना चाहिए, आप में से कोई बताना चाहेंगे। पहले व्यक्ति जो कार से जा रहा था, उसको क्या करना चाहिए, अगर कोई बताना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज, तो मैं उनको अनम्यूट कर सकता हूँ। आप लोग अगर पार्टिसिपेट ऐसे बोलेंगे अच्छा, तो अच्छा रहेगा, आपके लिए भी सीखने के लिए रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लेसन मिलने वाला हम लोगों को। ये मैंने दो एनालॉजी लिया हुआ है, एक व्यक्ति कार से जा रहा है, खुद ड्राइव कर रहा है, एक व्यक्ति पैसेंजर है एरोप्लेन से जा रहा हुआ। ओके, सो मैं ही बता देता हूँ, आप में इसको बताना चाहेंगे, पहले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो व्यक्ति कार से जा रहा है उसको क्या करने का प्रयास करना चाहिए, उसको वहां रुकना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है।
उसके पास ओके धरड़ी माता जी इसमें हरे कृष्णा प्रभु जी. सो हाँ द फर्स्ट पर्सन जी वी आर टॉकिंग अबाउट आई थिंक ही शुड वेट एंड थिंक प्रॉपरली वेयर एज आई मीन एट हिज पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन वेयर ही हैज टू गो एंड थिंक एट इन अ पीसफुल मैनर एंड डिसाइड एज टू वेदर ही हैज टू गो राइट और लेफ्ट. एंड एज फॉर द सेकंड पैसेंजर हु इज ट्रैवलिंग बाय द प्लेन बिकॉज ही इज अ पैसेंजर ही हैज टू वेट फॉर द पायलट्स अनाउंसमेंट. Because I mean the plane had to go to the south, but it was going in the opposite direction. So he has to wait for the pilot's advice as to why it has gone in the opposite direction, right? Yes. Thank you, Madhuri. Exactly. Correct है ये. तो जो पहले व्यक्ति को जो है तुरंत वहाँ पे stop होके उनको सोचना चाहिए मुझे left जाना right जाना चाहिए. और जो दूसरा व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए, उसको wait करना चाहिए announcement का, क्योंकि he has limited कंट्रोल है, उसके पास कोई कंट्रोल नहीं है, वो सिर्फ वेट कर सकता है. अगर वो ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा तो क्या होगा, जैसे ही जो है प्लेन लैंड होगी, रादर देन गोइंग टू हाउस ही विल गो टू जेल. तो यहाँ पर दो सिचुएशन अलग अलग है. एक व्यक्ति है जो खुद ड्राइवर है, ही कैन डिसाइड, वो डिसाइड कर सकता है मुझे कहाँ जाना है. लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या है, वो पैसेंजर है, ही कैन नॉट डिसाइड, ही हैड लिमिटेशन. तो देयरफॉर आवर कंट्रोल इज फाइनाइट, बट If want to control infinite, that is a frustration. हमारा कंट्रोल बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड हमारा कंट्रोल है. लेकिन अगर हम इनफाइनाइट, उससे ज्यादा अगर हम कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं तो क्या होता है वो, दैट बिकम्स फ्रस्ट्रेशन. और मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया कि फ्रस्ट्रेशन दो तरह से है, आउटबर्स्ट है या इनसाइड है वो. तो हियर स्पिरिचुअलिटी टेल्स वॉट वी आर एक्चुअली, हाउ मच वी हैव कैपेसिटी, हमारी लिमिटेशन क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है. तो सिंस वी आर फाइनाइट कॉन्शियस बींग, हमारी एक लिमिटेशन है. वी आर अ सोल, हम क्या है, हम एक सोल हैं. एंड दिस इज जर्नी ऑफ इवोल्यूशन, हम लोग जो यात्रा कर रहे हैं क्या है, ये जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन या जर्नी ऑफ एवोल्यूशन के लिए हम लोग ये है नहीं ये यात्रा कर रहे हैं यहाँ पर. And at the same time, we should know we are the part of infinite. We are the part of infinite. And हमारे life के लिए there is a particular plan. तो हमने अपना एक plan बनाया है, लेकिन जो Lord हैं, God, He has a bigger plan for our life. उनके पास हमारे life के लिए क्या है, bigger plan है. हम सोचते हैं कि हमारा जो plan है that is perfect, that should be fulfilled. वही fulfill होना चाहिए. But he have a mega plan, he have a bigger plan. तो हमें क्या करना है, अपने plan को God के plan के साथ cope up करने का प्रयास करना चाहिए. He have a bigger plan. वो pictures को अच्छी तरह देख सकते हैं, लेकिन हम pictures को उतने अच्छे से देख नहीं सकते हैं. तो therefore भगवत गीता में सिखाती है कि how to harmonize things. हमें जो है अपने प्लान को भगवान लॉर्ड के प्लान के साथ कैसे हार्मोनाइज करना है, ये भगवत गीता हमें ये सिखाती बहुत अच्छे से. तो जैसे हम लोग देखते हैं अर्जुन है, अर्जुन इज ए ग्रेट फाइटर, बट क्या हुआ कुरुक्षेत्र के युद्ध में, ही बिकम्स डिस्ट्रेस, टोटली डिस्ट्रेस हो गया वो. आई थिंक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई व्यक्ति युद्ध करने के लिए गया हुआ है और पूरी तरह से डिप्रेशन आ गया है. इवन कि अर्जुन के जो है हाथ कांपने, हाथ से गांडीव गिर गया, उसके होंठ कांपने लगे, चेहरे उसके पीले पड़ गए, मतलब ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन अर्जुन है. इतना बड़ा वॉरियर, उसमें क्या हुआ, गीता के थ्रू कृष्ण ने उनको क्या किया, नॉलेज दिया, उनको ज्ञान दिया उन्होंने, रादर देन गिविंग सम एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन कि अब मैं तो आपको जो है धनुष बाण दे रहा हूं, मैं कुछ आपको और दे रहा हूं. कृष्ण उनको क्या दिए, नॉलेज दिया उन्होंने, क्योंकि उस समय अर्जुन को क्या है, इनर पीस, इनर स्ट्रेंथ की ज्यादा जरूरत थी रादर देन आउटर स्ट्रेंथ. अभी हम लोग लाइफ में क्या करते हैं, ज्यादातर हम लोग आउटर, बाहर बाहर की चीजों को नहीं संभालने का प्रयास करते, बाहर से जो है अच्छा स्ट्रांग होने का प्रयास करते हैं, बट इंटरनली वी आर नॉट लुकिंग, हम लोग अंदर से नहीं उतना हम लोग ध्यान नहीं दे पाते कई बार ऐसा. बट गीता हमें सिखाती है कि वी वॉन्ट इनर स्ट्रेंथ रादर देन आउटर स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर हमारे पास इनर स्ट्रेंथ होगा तो आउटर स्ट्रेंथ भी आ जाएगा. देयरफॉर कृष्णा से अर्जुन
यू आर पार्ट ऑफ द प्ले, आप जो है यू आर द एज यू आर द पार्ट ऑफ दिस प्ले, यू हैव टू प्ले योर पार्ट ओनली एंड होल इज डन बाय द होल, आपको सिर्फ अपना पार्ट करना, निमित्त मात्र भाव सव्यसाची, अर्जुन को गीता में भगवान कहते हैं यू हैव जस्ट बिकम द मीडिएटर, यू बिकम जस्ट ए कोऑपरेटर, यू आर नॉट कंट्रोलर, क्योंकि अर्जुन कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं कि पूरा नहीं मेरे, मैं सब कंट्रोल कर सकता हूँ, कृष्ण से यू आर नॉट कंट्रोलर रादर देन यू आर कोऑपरेटर। तो सिमिलरली अपने लाइफ में देखते हैं, कई बार हम कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन एवरीथिंग इज नॉट इन आवर कंट्रोल, एंड व्हेन वी बिकम फेल टू कंट्रोल वी बिकम फ्रस्ट्रेटेड, वी बिकम डिप्रेस्ड, वी बिकम एंजाइटी। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि देयर इज अ बिगर प्लान, तो हमारे अपने प्लान को उस बिगर प्लान के साथ कोप अप करने का प्रयास करना चाहिए, हार्मोनाइज करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर बार हमारा प्लान कभी सक्सेस नहीं होता, ऐसा होता है। जैसे मैं आप लोग एक एक्टिविटी दे रहा हूँ, कई बार हम लोग बहुत अच्छा करते हैं बट उतना उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, कई बार हम लोग डू लिटिल बट वर्क मोर, थोड़ा करते हैं ज्यादा हो जाता है वो। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, पहला केस क्या है, हम अपना बेस्ट करने का प्रयास करते हैं बट रिजल्ट लीस्ट होता है, बट कई बार क्या होता है हम लीस्ट करते हैं रिजल्ट बेस्ट हो जाता है। आप लोग आप में से कोई बताना चाहेंगे आपके लाइफ में ऐसा कोई रिलेशन है, प्लीज सभी लोग थोड़ा थोड़ा कुछ बोलिए, एनीबडी, कि आपने बहुत ज्यादा कुछ प्लान किया हुआ लेकिन उसका रिजल्ट बहुत कम आया, लेकिन आपने छोटा सा प्लान किया था उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। एनीबडी, ओके, सो ऐसा कई बार होता है, क्योंकि हमारा प्लान हर बार सक्सेस हो ऐसा कोई गारंटी नहीं होता, तो देयरफॉर हमें क्या, हमें सिचुएशंस को अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए, और इस फील्ड में हमें गीता बताती है कि ये जो हमको लाइफ मिला हुआ है, दिस इज लाइफ फॉर जर्नी ऑफ एवोल्यूशन, जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मिला हुआ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, नाउ आई एम ऑडिबल, यस, ओके। तो हर बार ऐसा हम लोग, भगवान हमको तुरंत सिखा दिया कि हर बार हमारा जो प्लान होता है वो सक्सेस नहीं हो पाता। अभी तो मेरी आवाज आ रही होगी, आई थिंक दीपक प्रभु साउंड इज ओके, ओके। सो हर बार हमारा प्लान सक्सेस ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, मैंने इस प्लान किया बट इंटरनेट हैज गॉन। तो सिमिलरली हम देखते हैं लाइफ में कई बार हम लोग बहुत सारा प्लानिंग करते हैं लेकिन उतना सक्सेस नहीं हो पाता वो, क्यों, क्योंकि हम बहुत छोटा सा पिक्चर देख पाते हैं बट लॉर्ड हैव सम बिगर प्लान फॉर अस। तो इसलिए हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है, जो कुछ हैपनिंग्स होता है, उसको हमें एक लेसन की तरह, हमें लर्निंग की तरह लेना चाहिए। जैसे अभी मैं देख रहा था कोरोना था, ये कोरोना का टाइम था, ये कोरोना से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते थे, क्यों, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 राम। यस दीपक प्रभु, आप जरा बोलिएगा अनम्यूट करके, दीपक प्रभु। यस प्रभु जी, थोड़ा ब्रेक हो रही है वॉइस ना,
अभी ब्रेक हो रही है। हाँ जरूर वो नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इशू है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, आई थिंक अभी ठीक होगा, बेटर। ओके थैंक यू। तो कि हमें हर सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी तरह लेना चाहिए, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कोरोना था, क्यों? क्योंकि चीजें हमारे कंट्रोल में हर बार नहीं होती, ऐसा नहीं हो सकता हमारे कंट्रोल में होंगी। सिचुएशन हमारे कंट्रोल बिल्कुल नहीं था, क्या करना चाहिए था हमें? हमें घर में रह करके नहीं, अच्छे से जो है गुड फूडिंग, अच्छे से नहीं क्या कहते हैं कुकिंग करना चाहिए था, अच्छे से जो है भोजन करना चाहिए था, सैनिटाइजेशन, ये सब जो हमारे कंट्रोल में है, सैनिटाइजेशन करना, आपस में एक हैप्पी मोमेंट, प्रेयर करना, क्यों? क्योंकि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। वी हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी, वी आर लिमिटेड, वी हैव लिमिटेड कंट्रोल। तो हमारे कंट्रोल में अगर नहीं है तो हमें उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने का प्रयास करना चाहिए। और साथ ही साथ ये जानना चाहिए, अकॉर्डिंग टू गीता वी आर इनडिस्ट्रक्टिबल, हम लोग खत्म नहीं होने वाले हैं। तो जो भी सिचुएशन है, एनी हाउ अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई है, उससे अपने आप को हम बाहर तुरंत निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कभी आप जा रहे हैं, मतलब मान लीजिए अगर मैं समुद्र में गिर गया और सडनली वहां से एक एरोप्लेन आया, मुझे निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, उसी तरह से मान लीजिए कभी किसी डेंजरस पोजिशन में अगर हम हैं, तो अगर हम स्क्रिप्चर्स के थ्रू, भगवत गीता के थ्रू उससे अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास करें, तो हम तुरंत बाहर निकल सकते हैं। और जो भी सिचुएशन हमारे लाइफ में आता है, इनकेस जो भी ऐसी कोई आता है, डिफिकल्टीज आती है, उससे हमको बहुत कुछ लर्निंग हमारे लिए होता है, हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए होता है। जैसे अभी हम देख रहे थे जो कोविड का टाइम चल रहा था, उससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते थे, हाउ टू हैंडल इरिवर्सिबल सिचुएशन। हमारे लाइफ में अगर कोई ऐसी घटना हो रही है, उसको कैसे हैंडल करना है, हमको टॉलरेंस लेवल बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, कुछ नॉलेज लेने का प्रयास। जैसे मैं देख रहा था कि अभी इस टाइम में बहुत नहीं, लॉकडाउन में क्या लोगों के पास सफिशियंट टाइम था, तो उसमें लोग नॉलेज को एक्वायर कर सकते थे, प्रेयर्स कर सकते थे, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी आर देयर। चूंकि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन हमारे कंट्रोल में जो है उसको हम लोग कर सकते थे। तो बिकम पीसफुल एंड पर्पजफुल बाई स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। हम लोग क्या है, पीसफुल हो सकते हैं और पर्पजफुल हो सकते हैं बाई स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर हमारे अंदर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तो अपने लाइफ को हम लोग पीसफुल बना सकते हैं और क्या है, पर्पजफुल बना सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, इफ यू ओनली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी एंड वॉन्ट टू कंट्रोल द थिंग्स, देन हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, और एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम हमें क्या है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने आप को क्या करना है, पीसफुल बनाना है और पर्पजफुल बनाना है। उसमें क्या होगा, किसी भी ऐसी सिचुएशन में, किसी भी प्रोवोकिंग सिचुएशन में क्या होगा, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे और उसका पूरी तरह से हम लोग यूज कर पाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी हमारे पास अभी सफिशियंट टाइम था, तो वी कैन यूटिलाइज। हम लोग नहीं कुछ स्क्रिप्चर्स का रीडिंग कर सकते थे, फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन नहीं, आपस में बैठ के कुछ बातें, जो कि हमारे पास जनरली टाइम बहुत कम होता है, हमने ज़्यादातर लोग क्या है वर्किंग होते हैं, टाइम बहुत कम होता है बच्चों के साथ बिताने के लिए, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ। बट इसमें क्या है, हम लोग वी हैव अ गुड टाइम, हमारे पास अच्छा एक टाइम था, हम लोग क्या है उसको निकाल सकते थे। तो देयरफॉर ये जो हरे कृष्ण महामंत्र अभी मैंने आपको बोला था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, तो दिस इज द प्रेयर फॉर हारमोनी, दिस इज द प्रेयर फॉर हारमोनी। हम लोग प्रे करते हैं एज ए पार्ट, वी वॉन्ट टू हारमोनाइज विथ होल, एज ए पार्ट वी वॉन्ट टू हारमोनाइज विथ होल। मेरा जो प्लान है, मैं आपके प्लान के साथ उसको क्या है, हारमोनाइज करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं हारमोनाइज करना चाहता हूँ। और साथ में क्या प्रेयर कर सकते हैं, जो प्रेयर है बेसिकली ये क्या है, प्रेयर है, ये एक पुकार है, ये स्पिरिचुअल कॉल है, ये प्लीज टेक मी आउट फ्रॉम दिस डेंजरस सिचुएशन, मुझे इस खतरनाक स्थिति से मुझे बाहर निकालिए। तो बाय दिस वे कोई भी अगर हमारे लाइफ में ऐसी कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन आएगी, तो अपने आप को क्या हम लोग पीसफुल रख सकते हैं और पर्पजफुल रख सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम रीडिंग द भगवद गीता वी फील इनर पावर,
आज संसार में क्या प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल पावर हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, एवरीबडी इज कलेक्टिंग एक्सटर्नल पावर, सुखोई वो सब कुछ हम इकट्ठा कर रहे हैं, बट इंटरनली वी आर वीक, इंटरनल पावर हमारे पास नहीं है। इसीलिए लाइफ में कभी कोई डेंजरस सिचुएशन आती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आईआईटीज में इतने बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट पढ़ने के बाद भी लोग क्या है, लोग ठीक से नहीं, क्या कहते हैं, इंटरनल पीस नहीं होने की वजह से, इंटरनल इनर स्ट्रेंथ नहीं होने की वजह से क्या है, वो गलत डिसीजन कर लेते हैं, दे ले लेते हैं वो। देयरफॉर वी वांट इनर स्ट्रेंथ, वी वांट इनर पीस, इनर पावर। तो जैसे हम देखते हैं अर्जुन है, अर्जुन के पास सारे स्किल थे, वो लड़ाई कर सकता था, उसके पास गांडीव था, सब कुछ था, और जब वो उसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई तो कृष्ण ने उनको क्या दिया, कृष्ण ने उनको इनर पावर दिया, रादर देन गिविंग आउटर पावर या आउटर स्किल्स। मैंने बताया आपको ना, ऐसा नहीं उन्होंने बताया कि नहीं ठीक है मैं आपको और एक पशुपति अस्त्र देता हूँ, मैं आपको ब्रह्मास्त्र देता हूँ, नहीं, कृष्ण ने क्या दिया, अर्जुन को इनर पावर दिया। तो देयरफॉर इन आवर लाइफ आल्सो वी रिक्वायर्ड इनर पावर। उस सिचुएशन में हमारे लाइफ में अगर कोई ऐसी परिस्थिति अगर आएगी तो अपने आप को हम संभाल पाएंगे, अदरवाइज क्या हुआ, एक्सटर्नल जो हमारे क्या कहते हैं कमोडिटीज जो है, एक्सटर्नल बिलोंगिंग्स हैं, उसके बल्ब से अगर हम लोग नहीं समस्या जो प्रॉब्लम्स उसका सलूशन पाना चाहेंगे, नेवर। क्योंकि अर्जुन को हम देखते हैं, अर्जुन हैव सफिशिएंट पावर, सबसे बड़ा नहीं दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था वो, लेकिन उसके बाद भी गीता में नहीं कृष्ण अर्जुन को क्या दिया, इनर पावर दिया। तो ये जो भगवद गीता है दिस इज अवेलेबल एवरीवेयर, एंड बाई रीडिंग द भगवद गीता वी फील इनर पावर। और जो हमारे अंदर इनर पावर होगा तो क्या होगा, वी कैन हैंडल द इनर स्ट्रेंथ एज वेल एज आउटर स्ट्रेस, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अगर हमारे अंदर इनर पावर होगा, बाहर की समस्याओं को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, अंदर की समस्याओं को भी सॉल्व कर सकते हैं। टूडे वर्ल्ड इज लैकिंग, इसके लिए लोग नहीं, आज संसार में क्या इसकी कमी है, इसलिए हम देखते हैं कि अमेरिका जैसा जो सबसे बड़ा देश है, नहीं अमेरिका, और इतना सो कॉल्ड डेवलप्ड है, सब कुछ है, सबसे ज्यादा सुसाइडल केसेस वहां पर है, सबसे ज्यादा मेंटल इश्यूज वहां पर है। क्यों, इनर स्ट्रेंथ नहीं है, इनर पावर नहीं है, एक्सटर्नल तो उनके पास बहुत कुछ है लेकिन इनर नहीं है, इंटरनल नहीं है। तो देयरफॉर वी वांट इनर पावर, अगर हमारे पास इनर पावर होगा तो क्या होगा, जो भी हमारे लाइफ में कोई ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, प्रोवोकिंग सिचुएशन आएगी, उसको हम हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ टेक्नोलॉजी है, सिर्फ हम क्या करते हैं कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे क्या होगा, वी हैव नो पीस। इफ वी आर ओनली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, और उसके थ्रू अगर हम लोग कंट्रोल करने का प्रयास करना चाह रहे हैं, सिचुएशन को हैंडल करने का प्रयास करना चाह रहे हैं, उससे क्या होगा, कभी ऐसा नहीं, वी हैव नो पीस, कभी हमको नहीं पीस नहीं होगा हमारे। बट एट द सेम टाइम इफ वी गो थ्रू भगवद गीता, इफ वी गो थ्रू मंत्र मेडिटेशन, और अपने प्लान को ये समझ कर कि मेरा जो प्लान है और मुझे अपने जो है नहीं भगवान का जो प्लान है उसके साथ मुझे उसको क्या करना, हार्मोनाइज करना है। तो अगर इस तरह से हम हार्मोनाइज करने का प्रयास करेंगे, देन वी हैव ए पीस एक्चुअली। इसके थ्रू अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर इनर पावर होगा, और हमारे अंदर इनर पावर होगा देन वी हैव ए पीस इन द माइंड। तो जैसे हमने बताया आपको दो सिचुएशन बताई, एक तो कार का सिचुएशन था, वो व्यक्ति ड्राइवर था, दूसरा था कि एरोप्लेन, वो पैसेंजर था। दोनों की प्लेस और क्या कहते हैं पर्पज, दोनों का स्थान अलग अलग था। ड्राइवर के पास फैसिलिटी थी, यस, ड्राइवर के साथ, ड्राइवर के क्या है वो कैपेसिटी थी, वो कंट्रोल कर सकता था कि मुझे बाएं जाना है दाहिने जाना है, लेकिन जो पैसेंजर था उसके पास कैपेसिटी नहीं थी कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि जो पायलट होता अंदर से बंद करता, वो जो उसका होता ना कॉकपिट क्या बोलते हैं उसको, अंदर से बंद करता, उसके पास कैपेसिटी नहीं था वो। तो इसलिए हमें समझना चाहिए हम लोग किस प्लेस, हमारा नहीं कहाँ तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, वी हैव लिमिटेड कंट्रोल, लेकिन अगर हम अनलिमिटेड कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे फ्रस्ट्रेशन अराइजेस। और सेकेंड थिंग है पर्पज क्या हमारा है, पर्पज क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, पर्पज ये है कि हमको किसी भी सिचुएशन में नहीं
किसी भी सिचुएशन हमें क्या करना चाहिए, उसका पूरी तरह हमें फायदा लेने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी हमारी लाइफ में कोई ऐसी प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है, हमें क्या करना चाहिए, उसका पूरी तरह यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए रादर देन क्रिटिसाइज, क्योंकि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। सिचुएशन इज कंट्रोल बाय समवेयर एल्स, कोई और कंट्रोल कर रहा है। वी हैव लिमिटेड कैपेसिटी। अर्जुन को बता दिया भगवान ने गीता में कि अर्जुन आप अपना पार्ट करिए और बाकी आप छोड़ दीजिए, निमित्त मात्र भाव सब साचे। तो अर्जुन की सिचुएशन सोचिए, अगर मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मैच है और इंडिया का जो सबसे टॉप क्लास का बैट्समैन है वो कहता है कि नहीं मुझे बैटिंग नहीं करना है, मैं नहीं बैटिंग कर सकता हूँ, तो सिचुएशन क्या होगी? वही सिचुएशन अर्जुन की थी। अर्जुन सबसे टॉप क्लास के जो क्या कहते हैं धनुर्धर थे, और जब सिचुएशन उनकी आई सब जीवन के सबसे बड़े युद्ध में उनको पार्टिसिपेट करना था, तो वो कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा। देन कृष्णा गिव हिम इनर स्ट्रेंथ, कृष्णा गिव हिम इनर पावर। तो इसी तरह से एक बहुत फेमस हमें भगवान से ये नहीं बताना है कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, रादर देन हमें प्रॉब्लम को ये बताना है कि भगवान बहुत बड़े हैं। वी डू नॉट से टू गॉड दैट प्रॉब्लम इज वेरी बिग, रादर देन वी से दैट रादर देन वी से टू प्रॉब्लम दैट गॉड इज वेरी बिग। हमें ये नहीं करना है, हमें ये करना है, क्योंकि उनके लिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। और साथ में जब हम जानते हैं वी नो द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, प्रॉब्लम बिकम्स वेरी स्लो, वेरी स्मॉल, एंड वी रिमेन पीसफुल। व्हेन वी नो ग्रेटनेस ऑफ गॉड प्रॉब्लम बिकम्स वेरी स्मॉल एंड वी रिमेन पीसफुल। और अभी हमने पिछले देखा कोविड के टाइम में, दोज हु आर हैव इनर स्ट्रेंथ, those who have inner strength they can handle the situation better, otherwise aisi provoking situations to aati rehti hain, first wave, second wave, third wave, but hame kya karna hoga, we should understand we have limited capacity, hamara control bahut limited hai, us limited control mein main kya kar sakta hu, main kya best kar sakta hu, isko dekhne ka prayas karna chahiye, apna best karne ka prayas karna chahiye, do your best and leave rest to the God, और बाकी हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारा बाहर से हो रहा है, लेकिन अगर हमारा इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, अगर इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, इनर पीस नहीं होगा, इनर पावर नहीं होगा, फिर क्या होगा, सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो एज ए इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव टू इंक्रीज we have to increase inner power through this Bhagavad Gita and prayer of Hare Krishna Mahamantra. क्योंकि अगर हम Bhagavad Gita और ये जो Hare Krishna Mahamantra के prayer के through अपने आप को नहीं उस situation में रखते हैं, तो कोई भी अगर कोई भी हमारे life में कोई ऐसी provoking situation आएगी उसको हम handle कर लेंगे। But अगर अपनी तरह से अगर हम handle करने का प्रयास करेंगे, things become very difficult. हमने देखा अभी इतनी सारी problems हुई, नहीं, rather than there is oxygen, we cannot suck the oxygen. तो जी हम कितने बड़े कंट्रोलर, हम कंट्रोलर क्या हो सकते हैं, इवन हम ऑक्सीजन को भी सक नहीं कर पा रहे, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। इसलिए those who are intelligent, they can understand better, वो समझ सकते हैं कि हमारी लिमिटेशन क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या है, हम कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हम। इसलिए हम अगर स्क्रिप्चर्स के थ्रू जाते हैं, भगवद गीता इसके थ्रू अगर हम जाते हैं, तो समझते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है, हम किस पोजीशन में है हमारा। नहीं तो हम अपने आप को क्या हम कंट्रोलर मानते हैं, वी आर द कंट्रोलर, वी कैन कंट्रोल एवरीथिंग, बट जब हम स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, तो हम समझते हैं हमारी पोजीशन क्या है, हाउ मच वी कैन हैंडल। और सेकेंड क्या है, हम किस प्लेस पे हैं, कितना हम कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर मैं समराइज करूं, तो आज जैसे हमने बात की स्टार्टिंग में कि हमने सोसाइटी में बहुत सारा नहीं एडवांसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि लोगों को इंटरनल वीकनेस हो रही है, लोग इंटरनली उतने ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है।
तो इसलिए अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी, एक्सपेक्टेशन अगर हमारी फुलफिल नहीं होगी तो क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. मोर वी वॉन्ट टू कंट्रोल, मोर वी हैव एक्सपेक्टेशन. अगर हम जितना ज्यादा कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, और वो एक्सपेक्टेशन जो पूरा नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो एक्चुअली वी आर नॉट कंट्रोलर, मैंने आपको बताया, वी आर द कोऑपरेटर. वी आर नॉट कंट्रोलर, वी आर द कोऑपरेटर. हमें क्या है, कोऑपरेट करना, हमें कोऑपरेट करना है. तो जैसे मैंने बताया, वो कार ड्राइवर और प्लेन पैसेंजर, हमें समझना चाहिए कि मैं कब प्लेन पैसेंजर हूं और कब मैं कार ड्राइवर हूं. अलग अलग प्लेस पे मेरी अलग अलग पोजीशन है और मेरी लिमिटेशन भी अलग अलग है. तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है बहुत अच्छे, उसके अंदर स्किल है, उसने बोटिंग सीखा हुआ है और वो चला गया समुद्र में बोटिंग करने के लिए अपने मित्र को दिखाने के लिए, और सडनली क्या हो, बहुत सारा वेव, बहुत तेज वेव आ, तूफान आ गया और उसके नाव भी चली गई, वो बिल्कुल दोनों पानी में गिर गए. अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए उनको, उनके अंदर सब कुछ है, नहीं, टेक्नोलॉजी भी है, कंट्रोल पावर भी था, लेकिन अभी सारा कंट्रोलिंग उनको चला गया है, वो उनको तुरंत वहां से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए. सिमिलरली समटाइम्स ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल नहीं होता है, तो उससे हमें बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, उससे हमको बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए. और ये सोचना चाहिए कि मेरी लाइफ में समथिंग बिगर प्लान, क्योंकि हम लाइफ का पूरा पिक्चर अपना देख नहीं पाते, हम तो बहुत छोटा सा पिक्चर देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग करने का प्रयास करते हैं. हमारी हमारी कैपेसिटी भी लिमिटेड है. लेकिन जब हम बिगर एस्पेक्ट में देखेंगे, बड़े पिक्चर में देखेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि मेरे लाइफ का जो डिसीजन है वो सिर्फ मैं ही नहीं ले रहा हूँ, कोई और भी लेने वाला है. तो भाई, रीडिंग भगवद गीता एंड चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, वी रियलाइज इनर पीस, वी रियलाइज इनर पीस. तो एक बार जो है, एक व्यक्ति जो है, आपने ये स्टोरी सुनी होगी, एक व्यक्ति, एक इंजीनियर अपने गांव जा रहा था और उसको एक नदी क्रॉस करना था, और नदी क्रॉस करते हुए उसने बोटमैन से पूछा कि क्या आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री आती है. उस बोटमैन ने बोला, नहीं, मुझे नहीं आती है. फिर थोड़ा और नाव आगे बढ़ी तो उस इंजीनियर ने पूछा कि क्या आपको जो है ये कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं, बीटेक के सब्जेक्ट है, आपको आता है ये? उसने बोला, नहीं, मुझे नहीं आता है, मैं तो एक सिंपल बोटमैन हूँ, मुझे नहीं आता ये. फिर जब आगे थोड़ा और बोट बढ़ी, बहुत बोट बढ़ी, उसने पूछा कि आर यू नो अबाउट व्हाट्सएप, फेसबुक, ऑर्कुट एटसेट्रा? उसने बोला, नहीं नहीं मुझे नहीं आता है. सडनली व्हाट हैपन, बहुत तेज तूफान आ गया. तो उस व्यक्ति ने बोला, बोटमैन ने बोला, आपको तैरना आता है? उन्होंने बोला, नहीं आता. बोला, आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, एंड यू फिनिश हियर. तो सिमिलरली हमें इतना एक्सपर्टाइज होना चाहिए कि जो भी सिचुएशन अगर लाइफ में आ रही है, उसमें मुझे बाहर कैसे निकलना है. सिंस मैंने आपको बताया कि वी हैव लिमिटेड कैपेसिटी, हम अपने बल पे कई बार बाहर नहीं निकल सकते हैं. एक्सटर्नल हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन इंटरनल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. सिचुएशन ऐसे कई बार हमारे लाइफ में आती हैं, इमोशंस, सेंटीमेंट्स, उसको हम नहीं सहन नहीं पाते हैं. इसलिए जितना अधिक अगर हम लोग इनर स्ट्रेंथ हमारे अंदर होगा, जितना हमारे अंदर इनर पीस होगा, वी कैन हैंडल अ सिचुएशन बेटर. क्योंकि लाइफ में ऐसी सिचुएशन तो आती रहेंगी, क्योंकि इसके डिजाइनिंग इस प्रकार से हुआ है, इसका डिजाइन इस प्रकार से हुआ है कि एवरी प्लेस देर इज अ डेंजर. इसलिए हमारे फाउंडर आचार्य बोलते थे, डेंजर मस्ट बी देयर सिंस वी हैव प्लेस्ड आवर सेल्फ इन अ डेंजरस पोजिशन. बट जैसे अर्जुन ने कृष्ण को जो है नहीं सरेंडर किया कि प्लीज गिव मी इनर स्ट्रेंथ, कृपया मुझे नॉलेज दीजिए, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे क्या करना है. अभी इतना बड़ा जो है धनुर्धर, इतना बड़ा धनुर्धर, सब कुछ है, लेकिन तब भी वो क्या है, वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता. वो इंटरनली वीक हो गया था, वो एक्सटर्नल उसके अंदर कोई कमी नहीं थी. तो उस समय जो है कृष्ण ने अर्जुन को भगवद्गीता का ज्ञान दिया और उसको एक इनर स्ट्रेंथ दिया, और जब उसको इनर स्ट्रेंथ दिया तब वो आउटर स्ट्रेंथ को अपने दिखा पाया वो. तो सिमिलरली इन आवर लाइफ समटाइम्स ऐसा होता है, कई बार ऑफिस में, घर में, फैमिली में, सोसाइटी में, नहीं, सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, सिचुएशन हमारे कंट्रोल नहीं होता है. बट
अगर हम इंटरनली इनर पीस हमारे अंदर होगा, इनर पावर होगा, तो हम सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे. तो इसलिए पीसफुल लाइफ एंड पर्पजफुल लाइफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पीसफुल है लेकिन साथ में पर्पजफुल लाइफ होना चाहिए. पर्पज क्या है? हार्मोनाइज द थिंग्स विद गॉड. अपने चीजों को भगवान के साथ हार्मोनाइज करना, उसको हार्मोनाइज करना थ्रू भगवद गीता एंड हरे कृष्ण महामंत्र, हार्मोनाइज करना. और साथ में क्या है, ये समझना कि आई एम इनडिस्ट्रक्टिबल. नहीं, मैं क्या है, मैं खत्म नहीं होने वाला हूँ. कोई सिचुएशन ऐसी नहीं, जस्ट एक आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं खत्म होने वाला हूँ. और वो सिचुएशन किसी तरह से, जैसे मान लीजिए फायर नहीं, अगर मान लीजिए आग लग गई तो क्या होता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, उसको बुझा देती है वो. तो उसी प्रकार से मान लीजिए कभी ऐसी कोई सिचुएशन हमारे लाइफ में आता है तो उसको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं. बट अगर हम स्क्रिप्चर्स का जो है शेल्टर लेते हैं, हम लोग भगवद गीता, तो उस सिचुएशन से अपने आप को हम बाहर निकलते हैं. इसीलिए हमारे देश के जो फेमस पर्सनालिटी है महात्मा गांधी, वो बोला करते थे कि जब मेरे लाइफ में कोई बहुत मुश्किल आता है तो मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ और मुझे उसमें सोल्यूशन मिल जाता है. तो मैक्स प्लांक एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, बोलते थे कि साइंस बिलीव्स गॉड इन एंड बट स्पिरिचुअलिटी बिलीव्स गॉड इन बिगनिंग. साइंस जो है सबसे लास्ट में जब सब कुछ ओवर हो जाता है तब वो बिलीव करता है गॉड में, बट स्पिरिचुअलिटी बिलीव गॉड इन द बिगनिंग एंड दिस इज द इंटेलेक्चुअल. ये सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता का कार्य. जब सिचुएशन खराब हो गई है तब नहीं मानने से क्या फायदा होगा. सिचुएशन खराब हो उससे पहले अगर हम चीज को स्टार्ट कर दें, दैट इज द बेटर, वो सबसे अच्छा होगा ये. तो इस तरह से अगर हम अपने आप को समझेंगे कि आई एम नॉट कंट्रोलर, आई एम जस्ट कोऑपरेटर, और जो मेगा प्लान है, जो बिगर प्लान है, अगर उनके प्लान के साथ अपने प्लान को अगर हम कोप अप करेंगे तो हमारा लाइफ क्या होगा, पीसफुल होगा, पर्पजफुल होगा. अदरवाइज क्या होगा, वी आर जस्ट हियर वेस्टिंग टाइम एंड एवरीथिंग. तो इसलिए साइंस हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी, साइंस के पास अपनी लिमिटेशन है, उस पर अगर हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंसी, ठीक है मैं मना नहीं कर रहा हूँ, साइंस करना, हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना है, बट देर इज अ लिमिटेशन, उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए. हमको रियल वर्ल्ड में आना होगा रादर देन रियल वर्ल्ड. क्योंकि भी क्या है, ज़्यादातर हमारे जो इमोशंस है, रिलेशंस, दे आर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, फेसबुक और ये वो है. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आपने देखा अभी इस पैंडमिक सिचुएशन में टोटली डायमेंशन है चेंज्ड. फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देखिए सबने सब कुछ बदल दिया इसने. तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जितना पहले से हम लोग जितना स्ट्रांग रहेंगे तो सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, और अगर स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो जब सिचुएशन कई बार ऐसा आएगा तो फिर उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे. देयरफॉर दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज फॉलो द भगवद गीता एंड यू कैन ऑल्सो प्रे. प्रेयर, ये प्रेयर है, मैंने आपको बताया कि क्या हरे कृष्ण मंत्र प्रेयर है कि आई एम पार्ट, आई वॉन्ट टू हार्मोनाइज विथ होल. मैं बहुत छोटा सा हूँ लेकिन मैं जो होल, जो सुप्रीम है, उसके साथ अपने आप को हार्मोनाइज करने का प्रयास करना चाहता हूँ. वी हैव लिमिटेशन, वी हैव लिमिटेड कंट्रोल, बट वी वॉन्ट टू हार्मोनाइज विथ होल. तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा लाइफ क्या होगा, पीसफुल होगा और पर्पजफुल होगा. सिंस पर्पज मीन्स, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, पर्पज का मतलब है कि दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हैज अ पर्पज. इसका क्या है, एक पर्पज है, और पर्पज तभी पूरा होगा जब वी हैव इनर स्ट्रेंथ और इनर पावर. हमारे पास जब इनर स्ट्रेंथ और इनर पावर होगा तो हम क्या है, इसको पर्पजफुली हम ले जा सकते हैं. अदरवाइज क्या होगा, जस्ट एक कॉमन, जैसे हम लोग देखते हैं जस्ट ईटिंग स्लीपिंग, उससे नहीं, वी हैव बिगर पर्पज. तो देयरफॉर अगर हम देखते हैं नो गॉड नो पीस, वी इफ यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी एंड एटसेट्रा, तो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन में, पीस नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा वो. बट इफ वी नो गॉड थ्रू वैदिक स्क्रिप्चर, थ्रू भगवद गीता, हरे कृष्ण मंत्र, तो क्या होगा, वी विल बी इन पीस. जैसे हम देखते हैं स्टार्टिंग में
गीता स्टार्ट होने से पहले अर्जुन बिल्कुल कृष्ण को साइड कर दिया था, बोला ठीक है अपना देखिए मैं देखता हूँ अपना, बहुत सारी बातें कर रहा था वो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा मैं जानता हूँ, मैं कैसे लड़ाई करूँ, ये हो जाएगा सब मारे जाएंगे, लाइक सो मेनी, उसके पास बहुत सारा आर्गुमेंट था वो. बट वंस ही एक्सेप्ट, जब उसने जो है एक्सेप्ट कर लिया बिगर प्लान को, जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तब उसको क्या हुआ, ही बिकम्स शांत, ही बिकम्स इन पीसफुल. तो सिमिलरली इसीलिए भगवद गीता का बहुत फेमस श्लोक है, आप सभी लोगों के पास भगवद गीता होगा तो देख सकते हैं, 5.29, मुक्तारंभ यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यद्यत्वा माम शांति मृक्षिता, ज्ञात्वा माम शांति मृक्षिता. जो हम समझ जाएंगे कि वी आर नॉट कंट्रोलर, वी आर कोऑपरेटर, हम जस्ट कोऑपरेट करने के लिए हैं, जब ऐसा हम समझ जाएंगे देन वी बिकम इन पीस. और जब हम पीस में होंगे तो हमारे जो लाइफ का जो पर्पज है उसको हम फुलफिल कर पाएंगे. तो पीसफुल लाइफ एंड पर्पजफुल लाइफ, ये इम्पोर्टेंट है ये. और वो तभी होगा जब हम वैदिक स्क्रिप्चर भगवद गीता के थ्रू ये जानने का प्रयास करेंगे कि नो गॉड, अगर भगवान को जानेंगे, लॉर्ड को जानेंगे, सुप्रीम को जानेंगे तो क्या होगा, पीस होगा ये. सो दिस इज द पीस फार्मूला ऑल्सो, ऑलवेज इस मंत्र को आप लिख सकते हैं, वी आर नॉट कंट्रोलर, वी आर कोऑपरेटर. तो एक सुंदर जो मैंने आपको दो इंसिडेंट बताए, एक कार का बताया और एक बताया एरोप्लेन का, इसको आप याद रखेंगे तो कई बार आपको नहीं समझ में आएगा कि कई बार सिचुएशन हमारे कंट्रोल में होती हैं, कई बार नहीं होती हैं, बट हमको उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक्ट करेंगे तो क्या होगा, फिर हमारा लाइफ क्या होगा, पर्पजफुल हो जाएगा. तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन, आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमने बच्चों का सेशन कराया, बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, एंथुसियास्टिकली जो है पार्टिसिपेट किया उन्होंने, आई थिंक आप में से ज़्यादातर लोग हैं, तो बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगा. आने वाले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाट वी आर गिविंग टू आवर जनरेशन, हम लोग क्या दे रहे हैं उनको, हम लोग क्या दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इसलिए पहले हमको खुद जानना है और इसके बाद फिर बच्चों को भी बताना है. क्यों, अभी तो हमने अपना टाइम निकाल लिया ऑलमोस्ट 40 years, 45 years, जो भी है 35 years, बट सोचिए बच्चों का, दे हैव बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव बिगर फ्यूचर, उनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो. और अभी आने वाले टाइम में कैसे क्या होने वाला, सिचुएशन कैसे होने वाली है, किसी को नहीं पता है. ओके, तो मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा, आप लोग सभी लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं. इसमें एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक सेकंड. रीतम ग्रवाल, ओके, हरे कृष्णा, जस्ट एक सेकंड. ओके सर, हाउ डू वी कंट्रोल आवर थॉट्स एंड काम आवर माइंड? यस, तो मैंने आपको वही बताया कि थॉट्स एंड सेकेंड आप पूछा है उन्होंने, एक सेकेंड जस्ट होल्ड ऑन. थैंक यू फॉर क्वेश्चन. क्वेश्चन हमको पूछना चाहिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए. तो पहला इसमें है कि सर, हाउ डू वी कंट्रोल आवर थॉट्स एंड काम आवर माइंड? तो मैंने अभी आप तक वही बताया, अगर हमें माइंड को कंट्रोल करना है, पीस इन माइंड, तो पीस इन माइंड थ्रू भगवद गीता. जैसा हम देखते हैं कि अर्जुन के पास पीस नहीं था, पीस, ही वॉज नॉट पीस इन माइंड, बहुत परेशान था वो पूरी तरह से. तो उन्होंने क्या किया, भगवद गीता की शरण को लिया. और सेकंड कह रहे हैं थॉट्स है, थॉट्स तो मन में आते रहेंगे, कुछ ना कुछ थॉट्स आएंगे. बट क्या करना, हमें अपने थॉट को हार्मोनाइज करना है विद द थॉट ऑफ गॉड, दैट इज आल्सो थ्रू भगवद गीता. बहुत सारे थॉट्स आएंगे, तो हमें अपने थॉट्स और माइंड को हार्मोनाइज करना है थ्रू भगवद गीता. ओके, हाउ कैन वी कंट्रोल इंटीरियर्स? यस, वी कैन कंट्रोल इंटीरियर्स थ्रू हरे कृष्ण महामंत्र. ये जो प्रेयर है, बेसिकली दिस प्रेयर इज ए स्पिरिचुअल कॉल, ये स्पिरिचुअल कॉल है ये, प्लीज मुझे इस
डेंजर सिचुएशन से आप बाहर निकालिए, तो वी कैन कंट्रोल इंटीरियर थ्रू बाय द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए बोलते हैं इसको, इसका नाम मंत्र। मंत्र का मतलब होता है हु डिलीवर फ्रॉम डेंजर, या जो बाहर निकाले। मन त्रायति इति मंत्र, जो मन को डिलीवर करता, जो मन को बाहर निकालता है उसको बोलते हैं मंत्र। जैसे मान लीजिए हम पानी में निकल गिर गए तो नाव के थ्रू हम बाहर निकल सकते हैं। तो सिमिलरली हमारा जो माइंड है ये पूरा नहीं एग्जॉस्टेड हो गया है, उसको अगर हमें निकालना है तो वी कैन गेट आउट थ्रू दी मंत्र। तो जो हरे कृष्ण मंत्र है बेसिकली दिस इज अ कॉलिंग, ये क्या है, स्पिरिचुअल कॉल है, कृपया गेट आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको आप फील करेंगे कि कैसे जो है आपको ये बाहर निकाल के ले आता है। ओके थैंक यू। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके दीपक प्रभु जरा क्वेश्चन पढ़ते रहिए, मेरे स्क्रीन से जा रहा है। दीपक प्रभु प्लीज जरा क्वेश्चंस को रिपीट बोलिए। ओके हाउ कैन वी टेक आवर पीस। ओके मैं समझ गया, एक फार्मूला सिंपल है, वी आर नॉट कंट्रोलर वी आर कोऑपरेटर, दिस इज द फार्मूला ऑफ पीस। मैंने आपको बताया भोक्ता रम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, आई एम नॉट दिस सर्वलोक महेश्वरम, आई एम नॉट द कंट्रोलर, आई एम नॉट द सुप्रीम, वी आर फाइनाइट। तो अगर ये हम मानेंगे वी आर फाइनाइट, वी हैव लिमिटेड कैपेसिटी, वी आर जस्ट कोऑपरेटर, वी आर नॉट कंट्रोलर, देन वी आर इन पीस। द वे द डिग्री वी वॉन्ट टू कंट्रोल द डिग्री वी बिकम्स अनपीस। जिस हद तक हम जो है कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे उतना अधिक हम क्या है अपने आप को असंतुष्ट मानेंगे पाएंगे बस। लेकिन जैसे हम मान लेंगे कि वी हैव लिमिटेड कैपेसिटी, वी आर नॉट कंट्रोलर, वी आर कोऑपरेटर, वी बिकम इन पीस। ओके और कोई क्वेश्चन प्लीज सेंड मी दिस मंत्र, थैंक्स। ओके हरे कृष्ण मंत्र किसी ने लिख दिया यहाँ पर, और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज यू कैन आस्क। यस दीपक प्रो आपने हैंड रेज किया हुआ है। यस प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी, जैसे हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी आज के टाइम में पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, तो अब हम डिपेंडेंसी तो है टेक्नोलॉजी पे नो डाउट, बट कैसे उसको हार्मोनाइज कर, मतलब कैसे उसको अपने उसमें देखें, अपनी लाइफ में कैसे उसको यूज करें, मतलब छोड़ नहीं सकते और अनकंट्रोल तरीके से हम डिपेंडेंट होते जा रहे हैं उसके ऊपर। काफी चीजें हैं हमारी लाइफ की कंट्रोल हो रही है टेक्नोलॉजी से, तो हम कैसे उसको कंट्रोल करें, मतलब ठीक है मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में हम करना चाहते हैं उसको, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ भी कई बार हमारी उस पर डिपेंडेंट हो जा रही है। जैसे अभी क्लासेस ले रहे हैं, जैसे हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मजबूरी है क्योंकि अब और कोई ऑप्शन नहीं है, तो किस हद तक हमें यूज करना चाहिए और किस हद तक हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। यस किसी ने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मेक द टेक्नोलॉजी स्लेव, डू नॉट बिकम द स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या करना है आपको, टेक्नोलॉजी का अपना गुलाम बनाना है, टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना है। तो आप देखिए कि किस सिचुएशन तक जो है टेक्नोलॉजी यूज करने से आपका डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, सिचुएशन इन कंट्रोल। और जब टेक्नोलॉजी यूज करने से ऐसा अलग सिचुएशन बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल, थिंग्स आर नॉट मूविंग प्रॉपरली, सब कुछ अच्छे से ठीक से नहीं चल रहा है, वी बिकम एजिटेटेड, बिकम नॉट पीस इन माई माइंड, तो क्या होगा, इसका मतलब कि हम उसके गुलाम हो। जैसे आजकल बच्चे ना पबजी खेलते हैं, पता नहीं क्या क्या खेलते हैं वो लोग, छोटे छोटे बच्चे इतने सारे गेम खेलते हैं, उनके यहाँ से जैसे आप लेंगे तुरंत रोना धोना शुरू करते हैं। उसी तरह हमारी हालत है कि देखिए अगर हमारे यहाँ से मोबाइल जाता है तो क्या हम रोना शुरू करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वी हैव बिकम स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी, हम उसके नहीं गुलाम बन गए। हाँ ठीक है, कृष्ण कॉन्शियस में अगर आप भगवत गीता रीडिंग करने के लिए कर रहे हैं इसके लिए ठीक है, दैट्स ओके, बट देखिए कि कहाँ तक नहीं, कि हम ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है प्रभु जी। ओके छाया, यस छाया यू कैन आस्क क्वेश्चन। ये प्रश्न है प्रभु जी का, छाया जी का, कि हम भगवान की शरण में कैसे जा सकते हैं। मैंने आपको बताया दो रास्ते बताए, रीडिंग भगवत गीता एंड चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र, वी कैन टेक द शेल्टर ऑफ लॉर्ड। अर्जुन ने भी यही किया, अर्जुन बोला
कार्पण्य दोषो अपरिस्वाव पृच्छामि त्वं धर्म समूचड़ा संबूढ़ चेता, मैं भूल गया मेरी ड्यूटी क्या, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, मैं पूरी तरह कन्फ्यूज हूँ। शिष्यस्यते अहम् साधिमाम् त्वाम् प्रपन्नम्, प्लीज गाइड मी। तो भगवान ने उनको अर्जुन को भगवद्गीता का ज्ञान सुनाया। तो सिमिलरली अगर हम भगवद्गीता का अध्ययन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, तो वी कैन टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड, और वो खुद अपने आप को रिवील करते हैं। वी हैव लिमिटेड कैपेसिटी, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड लॉर्ड, हम कैसे भगवान को जान सकते हैं। तो ही विल रिवील हिमसेल्फ, वो अपने आप को खुद क्या है, रिवील करेंगे। हमको अपना करना है, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट टू द गॉड। उनको रिवील करना है, बताना है, दिखाना है, वो करेंगे, उनकी बात होगी, ठीक है। हमको अपना पार्ट करना है। ओके, एक क्वेश्चन और है, हाउ वी कम आउट फ्रॉम वेरियस ऑब्स्टिकल्स। यस, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आते रहते हैं। माइंड के लेवल पर कई बार ऑब्स्टिकल्स आता है, कई बार फिजिकल लेवल पर ऑब्स्टिकल्स आता है। तो जो फिजिकल लेवल का ऑब्स्टिकल्स है लाइफ में, उसको हमको फिजिकल उसका जो ट्रीटमेंट वो करना चाहिए, वो एक हो गया। माइंड के लेवल पर जो ऑब्स्टिकल आता है, जो इनर लेवल पर जो ऑब्स्टिकल्स आता है, उसके लिए वही मैंने जो बताया आपको, वही फिर से प्रश्न वही है कि जो वैदिक स्क्रिप्चर है, इसको जो हम रीड करेंगे, तो हमारे जो ऑब्स्टिकल्स, जैसे आप खुद महात्मा गांधी बोलते थे, मेरे लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल्स आता है, मैं भगवद्गीता पढ़ता हूँ, मुझे उसमें सोल्यूशन मिल जाता है। और हम लोग देखते हैं कई बार ऐसा होता, हमारे साथ भी होता है। एक सेकंड, रीतम ग्रवाल, आप कुछ पूछना चाहते हैं? शायद एक्सक्यूज मी सर। यस यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सर, हाउ मच टाइम वी स्पीक दिस मंत्र ऑन अ डे? डिपेंडिंग द सिचुएशन, आपके पास कितना टाइम है, ऑलबिलिटी है, एटलीस्ट 108 टाइम्स स्टार्टिंग में हमको इसको बोल सकते हैं। 108 बार, जैसे मैंने बोला एक बार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिस इज वन टाइम। इसी तरह अगर आप चाहें तो फिंगर से काउंट करके 108 टाइम्स एटलीस्ट बोल सकते हैं। अदरवाइज जैसे आपके पास जो है नहीं टाइम और सर्कमस्टेंसेस है, उसके रिगार्डिंग आप बोल सकते हैं। धीरे धीरे आप खुद फील करेंगे कि मुझे कितना, जैसे होता है कि जब हमको भूख लगती है एंड वी स्टार्ट फीडिंग, हम खाना शुरू करते हैं, जो हमको अच्छा लगता था कि हाँ, फिर उसको थोड़ा और लेते हैं और लेते हैं और लेते हैं, फिर वी फील नरिशमेंट, हमको अच्छा लगता है नहीं, नरिशमेंट फील करते हैं। सर अगर हमारा माइंड मतलब अशांत है तो तभी भी हम इस मंत्र को बोल सकते हैं? डेफिनेटली, दिस मंत्र, ये मंत्र इसीलिए है अशांत मन को शांत करने के लिए। जैसे कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उनसे कैसे बाहर निकलें? यही है, अर्जुन के पास भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आए थे, आप उनको देखिए, अर्जुन का देखिए, अर्जुन वाज मोर डिप्रेस्ड, मोस्ट कंफ्यूज्ड एंड मोस्ट एंजाइटी में था वो, सबसे ज्यादा एंजाइटी में था वो। उसने क्या किया, ही टेक्स शेल्टर ऑफ भगवद गीता एंड लॉर्ड एंड ही फ्री फ्रॉम द एंजाइटी एंड डिप्रेशन, उसने युद्ध को जीत लिया। उसी तरह हम कितने भी एंजाइटी में है, कितने भी डिप्रेशन में है, कितने भी डेंजरस सिचुएशन में है, वी कॉल दिस मंत्र एंड दिस मंत्र विल डिलीवर टू अस। जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए अगर आप पानी में गिर गए हैं, आपके पास नहीं निकलने की कोई वही नहीं है, अगर आप समुद्र में गिर गए हैं, बट सब सडनली एक हेलीकॉप्टर आया और आपको वहां बाहर निकाले खींच के। सर बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस वी हैव एंजाइटी ऑलरेडी, सो देयरफॉर आई एम सेइंग कि सर्कमस्टेंसेस कंट्रोल में नहीं हमारे हैं। मैंने अभी तक यही बात किया, कंट्रोल में नहीं हमारे हैं, बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल नहीं होते हैं, सिंस वी आर लिमिटेड, देयरफॉर दिस इज द बेस्ट। आपको जो है तुरंत क्या करना चाहिए, ये गीता और ये हरे कृष्ण जो प्रेयर है, जो मंत्र है, इसका शेल्टर लेना चाहिए। सर इट्स डेफिनेटली वर्क? यस श्योर, डेफिनेटली वर्क। ओके ओके, एनीबॉडी हैव? हेलो, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बता रहे थे मंत्र की, तो ये हम कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं या कोई भी इसका टाइमिंग हम बांधे? यस, देयर इज नो कंडीशन और कोई प्लेस टाइम इसका कोई लिमिट वो नहीं है, आप किसी भी टाइम इस मंत्र को ले सकते हैं, मतलब कभी भी सुबह मॉर्निंग रात में, कभी भी सोते समय, कभी भी एनी टाइम यू कैन टेक। दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिस मंत्र एक्चुअली, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड महामंत्र। बाकी सबके साथ लिमिटेशंस हो सकते हैं, बट दिस महामंत्र इज सो पावरफुल एंड सो जेनरस
कि आप इसको किसी भी टाइम ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, वर्क करेगा प्रॉपरली, इसका नेटवर्क कभी खत्म नहीं होता, चाहे आप अमेरिका जाएंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, चाहे कहीं भी जाएंगे, इसका नेटवर्क बराबर मिलेगा ये। तो नहीं प्रभु जी, फिर इसका ये है कि 108 बार ही करना है या कितना भी, मतलब जब जितना समय है उतना ही उस हिसाब से हम लोग कर सकते। मैंने आपको बताया कि अगर पॉसिबल है तो 108 टाइम, अदरवाइज जितना संभव उतना कर सकते हो, कम ज्यादा जो भी कर सकते हो। ओके थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके एनीबॉडी एल्स? भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण भगवान क्या है क्वेश्चन है ये, एक सेकंड जस्ट होल्ड ऑन। भगवान श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को महाभारत, पहली बात एक ही भगवान लगेगा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध करने को क्यों कहा? वो चाहते तो महाभारत युद्ध को कभी भी होने नहीं देते, तो फिर उन्होंने युद्ध क्यों नहीं, क्यों होने दिया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन थोड़ा मैंने लंबा होगा ये, क्योंकि अभी आज इतना है, अगर टाइम शायद नहीं होगा। छाया, यस छाया, ओके गुड क्वेश्चन। इसका आंसर हम करेंगे जैसे जैसे भी टाइम आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो हम बताएंगे कि हम ब्रॉडर एस्पेक्ट्स बताएंगे कि युद्ध क्यों जरूरी था, क्या अभी बताएंगे उतना समझ में आएगा। तो हमारी जो थिंकिंग है, विलिंग है, बहुत लिमिटेड है, बट लॉर्ड थिंकिंग एंड विलिंग है बिग, तो उनको पता है कि कब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हमको कई बार लगता है कि ऐसा होता तो अच्छा होता, ऐसा होता तो अच्छा होता, लेकिन कई बार अच्छा नहीं होता। बट जो इनफाइनाइट है, जो लॉर्ड है, ही नो बेटर व्हाट इज अच्छा व्हाट इज बुरा। तो इसलिए इसका भी उत्तर हम आगे चल के देंगे और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़े। ओके और कोई क्वेश्चन है दीपक प्रभु? यस प्रभु जी, एक और है, पूनम भाटी जी का है कि माइंड को पूजा में कैसे लगाएं, माइंड को पूजा में कैसे लगाएं। यस, आपको माइंड को मंत्र मेडिटेशन मैंने आपको बताया है, तो बेसिकली माइंड बहुत सेटल है, तो उसको ऐसा नहीं हम पकड़ के बैठा देंगे, वो तो इधर उधर भागता रहता है, उसकी आदत है वो। ये शरीर तुमको दिखाई दे रहा, ग्रॉस है ये, तो इसको हम लगा लेते हैं कि ठीक है हम पूजा में बैठ गए, लेकिन माइंड तो भाग जाता है। कोई बात नहीं, उसको भागने दीजिए जहाँ जाए, ठीक है। आपको जो बताया जा रहा है, जो एक्टिविटी उसको करना है, माइंड विल डेफिनेटली कम, वो अपने आप वापस लौट के आ जाएगा। ओके एनीथिंग मोर, किसी को और कुछ कहना है? नहीं प्रभु जी, और कोई नहीं। ओके थैंक यू सो मच मंजू माता जी, मनीष, हाय प्रभु, थैंक यू ऑल, मैं बाबा करें कि दोनों ने धर्म के लिए करवाया। ओके ठीक है, गुड सर, हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो ये क्लास कल भी होगी और परसों दो दिन का और सेशन है, तो थैंक यू सो मच। मैंने जो है बताने का कुछ प्रयास किया आप लोगों को, और प्लीज इसको आप इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करिए लाइफ। अच्छा लगा प्रभु जी, अच्छा लगा बहुत, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके थैंक यू सो मच। ओके छाया का प्रश्न है, एक सेकंड बस, छाया का प्रश्न है, कुछ कहना चाह रही है कि पूज मेरे पापा कर युद्ध में धर्म हुए। हाँ यस, भगवान गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। यस यू नो, भगवान ने धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध किया था। ठीक है छाया, थैंक यू, ओके प्रभु जी बाय, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। कल 7 बजे हम लोग पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।